एवरीवन वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कान्हा जी कृपा से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, बस नाश्ता करना बाकी है। नाश्ता करने के बाद हम लोग, मैं और छोटी भाभी जाएंगे हमारे दूसरे वाले घर पर, सफाई करनी है क्योंकि कल तो हमने किचन को प्रॉपर धो धा के पोछा ओछा लगा के बिल्कुल सेट किया था और डब्बे वगैरह धो कर रख दिए थे। और आज हम जा रहे हैं वहाँ पर, सारी हमें धूल मिट्टी डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग बहुत करनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े गेट है ना तो धूल ज़्यादा जाती है। और बंद पड़े मकान में तो गाइस देखो, आप लोगों को पता ही है कि बहुत गंदगी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं, भाभी और भैया वगैरह हम सब जा रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई करने, जिससे कि हम फिर शिफ्ट होने में हमें प्रॉब्लम ना हो और हम बाकी के आगे के काम अपने कर सकें। हालाँकि हमें मिस्त्री भी मिल गया है, देखते हैं एक दो दिन में शायद वो काम भी शुरू हो जाए, देखते हैं गृह प्रवेश से पहले ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं अभी नाश्ता करूँगी और उसके बाद निकलूँगी। और मैंने ना इसके साथ लिया है कॉटन का दुपट्टा क्योंकि गर्मी बहुत है, और इसके इस सूट के साथ ना सिल्क का दुपट्टा था। हालांकि ये मेरा पुराना है, अभी की प्रेगनेंसी में मैंने यही सूट पहना है, इसीलिए इतना सारा लूज मुझे आता है, देखो तो ऐसा नहीं है। और रही बात कमेंट, ये कमेंट मत करना गाइस कि मेकअप नहीं किया, क्योंकि जब साफ़ सफाई और शिफ्टिंग का काम होता है ना उसमें हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से मई की गर्मी है तो मेकअप तो सारा बह ही जाना है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। आने के बाद फिर से दोबारा हमें नहाना पड़ेगा, इसलिए नहा कर इसलिए जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ना सुबह सुबह सभी जल्दी नहा लेते हैं, तो हम भी, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी के काम अपने करती हूँ। आने के बाद दोपहर में जब मैं लंच के टाइम आऊँगी तब मैं नहाऊँगी फिर से और तब थोड़ा सा कुछ करूँगी। वैसे मैं घर में गर्मी में मोस्टली मेकअप वगैरह करके नहीं रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर नहीं अच्छा लगता, अपने घर तो कर लेती हूँ। सो अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं। सो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और यहाँ पर देखो दीशु मस्ती करती हुई, और ये टीवी जो है यहाँ पर रखा है लेकिन ये यहाँ पर नहीं लगेगा, दूसरे घर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये खिड़की बंद करके देख रही थी, लेकिन फिर मैंने इसमें देखा, इसमें ना पहले एसी लगा हुआ था, ताऊ जी ने इसमें एसी लगा रखा था, हमें भी लगाना होगा इसमें एसी। तो पापा कह रहे थे कि इसको बंद नहीं करते, मैं बोल रही थी कि इसको बंद करा दो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बंद नहीं करेंगे, इसमें एसी लगा लेंगे इसी वजह से। और जो हमारा अंदर वाला रूम है उसमें एसी नहीं लगेगा, उसमें ये विंडो एसी नहीं लगेगा, उसमें स्प्रिट वाला लगेगा। तो भाभी बाहर धोने का काम कर रही थी और मैं झाड़ू पोछा और मतलब झाड़ू से जाले वगैरह साफ़ कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, भाभी उठा रही थी जो भी गंदे कपड़े थे यहाँ पर। देखो धूल बहुत है क्योंकि जब मकान बंद पड़े रहते हैं ना तो उन पर धूल चढ़ती है, और वैसे भी ये घर थोड़ा बड़ा और खुला ज़्यादा है तो यहाँ पर धूल का काम ज़्यादा होता है। लाइटें जला दिया, अंधेरा हो गया।
सो गाइस जाले झाड़ने के बाद मैंने लगाई झाड़ू और अब भाभी लगा रही थी पोछा, तो मैंने सोचा कि मैं सारे जितने भी हमारे खिड़की हैं सब पर जो है जाली यानी कि नेट लगी हुई है तो उनको उनकी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि धूल चढ़ जाती है, बंद था मकान तो धूल चढ़ गई थी, तो मैं कर रही हूँ अब डस्टिंग। और डस्टिंग के बाद मैं अंदर इस दूसरे वाला जो हमारा रूम है टीवी वाला, उसमें उसकी बेडशीट वगैरह हटा दूंगी, वो धुलने में चली जाएगी और हम फिर हवन वाले दिन जिस दिन गृह प्रवेश होगा उसी दिन हम इसके लिए इसको रेडी करके छोड़ेंगे, एक दिन पहले छोड़ देंगे नई बेडशीट वगैरह, जैसे भी जो भी मम्मी बोलेगी यहाँ पर डालने के लिए वो डाल देंगे। और ये सब मैं साफ़ कर रही थी और उधर भैया भी मिस्त्री के लिए गया हुआ था कि मिस्त्री को बुला लेते हैं, तो भाभी चली गई है झाड़ू पोछा करके गाइस, और मेरी डस्टिंग अभी बाकी है। मुझे भूख नहीं थी, सब लोग चले गए हैं घर पे खाना खाने, लेकिन मुझे भूख नहीं थी तो मैंने बोला कि आप लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी और तब तक मतलब इसकी डस्टिंग मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो भाभी चली गई थी झाड़ू पोछा लगाने के बाद, और बाहर जो है पापा और भाई ईंटों का काम करा रहे थे, क्योंकि ईंटें आ गई हैं, मिस्त्री लगने वाला है तो उसके लिए, और ईंटों की आवाज़ आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। अजीब सी आवाज़ आती है ना ईंटों की, और वो लोग अपनी भाषा में कुछ बोल रहे होते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर आवाज़ को बंद रखा है। सो गाइज यहाँ पर मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, मुझे ये तो याद नहीं कि मैं किससे बात कर रही थी, बहुत लंबी देर ये बात चली और मेरा लेकिन मेरा साथ के साथ सारा काम भी हो गया। और फिर उसके बाद मुझे फ़ोन आया भाभी का कि आप
खाने पे नहीं आ रहे हो, क्या खाना है? तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे लंच नहीं करना था, मेरा मन नहीं था। और आजकल गाइस जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती हूँ। अगर मैं लंच कर लेती हूँ मैं तो डिनर नहीं करती, और अगर डिनर मुझे करना होता है तो मैं लंच में नहीं खाती हूँ, क्योंकि इतना मतलब लिक्विड, इतना ठंडा और सारी चीज़ें ना पानी पी पी के ना यहाँ पर मतलब मुझे भूख ही नहीं लगती, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी को अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छी मोमेंट, अच्छी फीलिंग आ रही है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैंने कोई भी पेन किलर या कोई भी दवाई अपनी नहीं खाई है, तो यहाँ आने का मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ये भी है। सो गाइस, क्लीनिंग डस्टिंग हमारी हो गई है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर सारा ही काम मैं कर रही हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लॉग्स बनाने रहते हैं, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐसे सिलेक्ट करती हूँ कि भाई देखो वो चीज़ें वहाँ का काम मैं देख लूँगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे क्लीनिंग करनी है, वहाँ पर सेटिंग करनी है, तो वहाँ से भाभी वगैरह करती है। यहाँ पर मेरे साथ छोटी भाभी झाड़ू पोछा करके गई है, जो सामान जो डब्बे मैंने धोए हैं वो उन्होंने सेट करे हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है। और अभी को मैंने मम्मी के पास घर पे छोड़ा था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा केयर मेरे बच्चे की मेरी माँ करती है, और मैं उसको दूध वगैरह सब मतलब सारी चीज़ें उसकी कर कर आई थी, लेकिन तो उसको सोना था, तो मैंने बोला मम्मी वहीं पर सुला लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना अभी इन्वर्टर और कूलर नहीं रखा गया है, वो हम मुहूर्त के बाद रखेंगे, क्योंकि जब तक मुहूर्त नहीं हो जाता, हवन वगैरह नहीं हो जाता, गृह प्रवेश नहीं हो जाता, हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो इस वजह से हमने वहीं पे मतलब सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो अभी देखते हैं जैसे जैसे होगा, अभी क्योंकि हमारे बाहर का काम रह रहा है, खर्चा आया, तो वहाँ पर जो चीज़ें होनी है, हमें ग्रीनरी, हमें पौधे वगैरह लगाने हैं, मिट्टी वगैरह लगानी है, पक्का करना है, हालांकि मुहूर्त तक पक्का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हो रहा है, जितना हो रहा है उतना मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड दिखा रही हूँ। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यही फ्रेंड, फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और खूब सारा प्यार दीजिए प्लीज़, राधे राधे।